Sound. Roll camera. Rolling. Take 15. And action. Uday. Uday, तुम कहाँ हो? बचाओ. But cut. Cut it. अरे यार कोई line दो. Rox. Huh? Can I just take 5? Take 10 बेबीनेस। पे चाय लाओ कोई। हर टेक के बाद कैन आई टेक 5 करेगी तो हमारी तो लग गई ना बेटे। एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस। अब आप देखो ना मेरे टीवी का एक्सपीरियंस मेरे कितने काम आ रहे। अच्छा, अब इतने सारे शॉट्स होते हैं, रिएक्शन शॉट्स, एक्सप्रेशंस, इतने सारे एक्सप्रेशंस चेहरे पे, टैलेंट भरा हुआ है अंदर से। दिखाऊं मैं आपको? नहीं दिखाऊं। रोमांस, कट इंटेंस, कट बदले की यार, कट बाप बनने की खुशी, कट माँ की मौत, कट। ये होता है सर टैलेंट, एक्सपीरियंस इसी से आता है। अरे एक्सपीरियंस उसको भी तो है। तेरी माँ सर। शायद तुमने सही किया, ऐसे लोगों को यही भाषा समझ में आती है। So tell me, why do all men in this unit think I'm a whore? Not all men, सिर्फ वो जिनका दिमाग उनकी पैंट में। So all men? No, not all men. I'm sorry. गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता है क्या हो गया है मुझे। जब से आई हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो मेरे साथ। क्यों अजीब लग रहा है? ठीक हो तुम? पता नहीं, आई मीन सर दर्द और। सनी मैम, क्या मैं आपका टचअप कर दूं? बस 5 मिनट में। ओके। क्या हुआ ये? नथिंग। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? सत्या। या? यू आर राइट। सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। इस वाले सीन के लिए टच रखेंगे, ओके? आई वांट द लाइटिंग अ लिटिल सबड्यूड। ज्यादा लाइट्स नहीं चाहिए, ओके? समझ गए ना? लेट्स गो। Hello, babiness. Hi. Come. Excuse me? आइए ना, बैठिए बैठिए। Come. Roxy, आप मुझे मॉनिटर क्यों नहीं दिखाते? I'm तो fully the director's actor. Yeah. What I'll do now? अभी आपको हम लटकाएंगे उल्टा और आपको ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे चुड़ैल दिखी है, ओके? लाइन याद हो गई? बचाओ, बचाओ। बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ डॉक्टर। या वेरी गुड। अभी चलो इसको लटकाओ, लटकाओ इसको। कम प्लीज, आइए ना, बैठिए। कम। ओके, रेडी? स्टंट बॉय, उठाइए। बचाओ, बचाओ। ओके। इसको घुमाओ अभी। Now everyone ready? Roll sound. Rolling. Camera. Rolling. Shot 5, take 1. Action. बचाओ, 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 बचाओ. Ah, very good. अरे performance से हिला दो. Ah yes, very good. और हिलाओ. चलाओ, अरे परफॉर्मेंस से निकालो। कट करो, नीचे उतारो उसको। मोनाली, क्या? दो लड़कियां। कौन दो लड़कियां? क्या बोल रही हो तुम? ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मोनाली, ब्रिलियंट। अरे क्या इम्प्रोवाइजेशन था। अरे तुम तो बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गई थी। अरे ढाओ। अरे मजा आ गया। अरे ताली बजाओ, ताली। क्या परफॉर्मेंस था। वेरी गुड मोनाली, वेरी गुड। मजा आ गया, वेरी गुड। अच्छा बहुत हो गया, शट अप। चलो पैक अप। आई प्रेजेंट टू यू रागिनी। सोने पटोले लखा, सोने पटोले। ये सुनो, 9:30 बज गए हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर दो। ओके सिस्टर। Thank you. रॉक्स, आपने अपनी अगली मूवी के लिए इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्यों चूज किया? लुक, मैडम, आपको रागिनी एमएमएस में कंट्रोवर्सी और स्कैंडल नजर आता होगा। मुझे उसमें एक कहानी नजर आती है। लड़का लड़की को डर्टी वीकेंड के लिए एक सुनसान बंगलो ले जाता है। वहां पर वो एमएमएस वीडियो शूट करता है। The MMS goes viral. The boy goes missing. लड़की कहती है कि वहां पर एक चुड़ैल थी जिसने लड़के को मार डाला। लेकिन लड़की का भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहते हैं इस इंसिडेंट के बाद वो पागल हो गई। पिछले 3 साल से वो एक मेंटल असाइलम में है। Now that is a story. मैं अपनी फिल्म वहीं पर शूट करूंगा जहां पर रागिनी का एमएमएस शूट हुआ था। हॉरर फिल्म, हॉरर एंड का ऐसा कॉम्बो कि फिल्म देखने के बाद ऑडियंस को यह समझ में नहीं आएगा कि डर के मारे अपने मम्मी के पास जाए या एक्साइटमेंट के मारे अपने गर्लफ्रेंड के पास। रॉक्स, वन मोर क्वेश्चन। पूछो। आपने इंडस्ट्री के सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, पर आपने इस फिल्म के लिए टीवी स्टार्स को लिया है। Is it because आपकी लास्ट फिल्म फ्लॉप होने के बाद कोई बड़ा एक्टर आपके साथ काम नहीं करना चाहता? This was a conscious decision. Okay. My story is real. This incident is real. Stars मूवी को फेक बना देते हैं। And as for the female lead, that is a surprise. वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो सब स्टार्स की छुट्टी कर देगी। She is going to put the roar back into Ragini. Ladies and gentlemen. Thank you. मजा आ गया। The audience reaction was superb, Rox. What an entry. ये स्कल ठीक है? And you are Gina, our department. Yeah, whatever. Rox, hey Gina, छोड़ना यार. I'm going to make a blockbuster. Yeah, Daddy. Tanya. Oh, hi. Is that Ashish Kapoor ji? Yeah. Please tell him I loved his last film. Just loved it. Sure. Oh, sorry, Daddy. Ugh, it's nobody. It's just Rox. Yeah. अगर ये आशीष कपूर जी की बेटी नहीं होती, तो इसको असिस्टेंट कभी नहीं रखता. What a waste. ना कोई काम करती है, ना किसी और काम आती है. सनी का कमरा, सनी का मेकअप रूम. सनी. आंखें बंद कर। क्यों? इसके चेक पे तूने साइन किया है? आंखें बंद कर। Hello, gorgeousness. No one taught you to knock? Actually, no. मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? लगी? कब? अरे जब तुम हेवन से गिरी थी। अरे खुले दरवाजे पे नॉक क्यों कर रहा है? आजा। Because that's what gentlemen do. Please come in. आपने बुलाया मुझे? हाँ। तुम दोनों का ठीक से इंट्रोडक्शन ही हुआ है। ये है सत्य कुमार, फेल्ड नॉवलिस्ट, लेकिन फ्यूचर में बनेगा सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर। हाँ, मुझसे जो मिल चुका है। हाय, मैंने आपकी लास्ट नॉवेल पढ़ी थी। आप किताबें पढ़ती हैं? और स्क्रिप्ट्स भी। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट टाइम पर भेज देते, अब तक पढ़ चुकी होती। मुझे चलना चाहिए। हाँ, वैसे भी बातें ज्यादा हो चुकी हैं। और वैसे भी तुम्हें आफ्टर पार्टी के लिए रेडी होना है। पूरा कास्ट एंड क्रू होगा वहां पे। और वो अपने फिल्म के 2 स्टेपनी एक्टर्स हैं, मोनाली एंड मेडी, उनसे भी मिल लेना। सॉरी, आई कांट। मुझे कल सुबह मेंटल असाइलम जाना है। मेंटल असाइलम? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे फाइनली रागिनी से मिलने की परमिशन मिल गई है। रागिनी? अब ये रागिनी से क्यों मिलना है? रिसर्च, ऑब्वियसली। सो इफ यूल एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। रिसर्च? ये पोर्नो से रितु पोर्नो कैसे बन गई? तू क्या हंस रहा है बे? वो मेकिंग वाला पहुंचा लोकेशन पे? पहुंच गया सर, पहुंच गया। हाय गाइस, आई एम करन और आज मैं आपको इंडिया की सबसे अवेटेड फिल्म रागिनी एमएमएस के बिहाइंड द सीन्स में लेके जाने वाला हूँ। आई नो कि आप सब सनी लियोनी को देखना चाहते हैं एंड नॉट मी, और वैसे भी बाकी की फिल्म की यूनिट तो कल आने वाली है, तो तब तक थोड़ा कंट्रोल करें क्योंकि आपको तो पता ही है कि हॉरर फिल्म का असली मजा तो रात को अकेले में ही आता है। Let's check it out and be scared. Ragini MMS Day Zero. Come. All right. अबे ये क्या है? ये कौन सा हिस्सा है घर का? इसको पेंट क्यों नहीं किया शूटिंग के लिए? एकदम क्रीपी लग रहा है यार। I better find my way back to the other side. जाना पहचाना सा लग रहा है ना। Let's see. ये तो वही रूम है ना जहाँ पे उदय ने रागिनी की कोई मेरा एमएमएस भी तो बनाओ। या 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 ओ ओ What the hell is this? और रागिनी तू भी किंकी निकली। यहाँ पे आए तो रागिनी का एमएमएस देखना बनता है यार। ओ या यू डर्टी लिटिल थिंग। ओह ओह या आई लाइक डर्टी गर्ल्स। कौन है? कौन मजाक कर रहा है? Listen, I don't get scared, okay? कौन है कबर्ड में? This is not funny, okay? कौन है? आप रागिनी को पहले से जानती हैं? जरा संभल के। Hi Ragini, I'm Sunny. हम एक फिल्म बना रहे हैं। तुम्हारे और उदय के साथ जो हुआ उसके बारे में, और उसमें मैं रागिनी बनने वाली हूँ। टेल मी रागिनी, लोग कहते हैं कि उस घर में कुछ है। उस घर में चेटकिन थी, उसने उदय को मार डाला। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मुझे भी मार डालेगी। वो अभी भी यहीं पर है, मेरे पीछे खड़ी है। मुझे मार डालेगी, मुझे बचाना, नहीं मुझे बचाना, मुझे मार डालेगी। रागिनी, रागिनी तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है रागिनी। नहीं नहीं रागिनी प्लीज काम डाउन। मैंने उदय को मारा, मी त्याला मारून टाकला। उसका खून जैसे टिप टिप करके मेरे पैरों के पास इकट्ठा हो रहा था। मला खूब मजा आली। मैंने मार डाला उसे। प्लीज मुझे बचाना, प्लीज नहीं मुझे बचाना, मेरे पीछे करके। रागिनी, रागिनी तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, प्लीज काम डाउन। रागिनी, I'm sorry. मैं माझा मुलीला नहीं मारा। रागिनी आप क्या कर रहे हो? Nurse! जल्दी कर, जल्दी कर। चल चल डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि रागिनी के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं मैम। उसने खुद पे अटैक किया है। यही तो मैं कह रही हूँ डॉक्टर कि उसने खुद को अटैक नहीं किया है, उसे करवाया गया है। करवाया गया मतलब? डॉक्टर बत्रा, I'll take it from here. जी जी डॉक्टर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बैठिए, बैठ के बात करते हैं। आइए बोलिए। मैं जानती हूँ डॉक्टर कि आप मुझ पर यकीन नहीं करोगी, और डॉक्टर बत्रा को भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि रागिनी के सेल में नॉर्मल से ज्यादा ठंड होती है, कि रागिनी को कोई सेंसेशन फील नहीं होती, सर्दी गर्मी दर्द, कि रागिनी एक ही वर्ड एक ही एक्शन बार बार रिपीट करती है, और डॉक्टर्स उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए ट्रीट कर रहे हैं, है ना। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन नहीं होता, हर केस अलग होता है, और आंसर्स जानने के लिए प्रॉब्लम की तय तक जाना पड़ता है। आप फिक्र ना करें, मुझे थोड़ा वक्त है। I'll get to the bottom of it. Take care. Hi. Of course. Sister? Yes, ma'am. वो कौन है? ये डॉक्टर मीरा दत्ता हैं। न्यूयॉर्क से पिछले हफ्ते ही आई हैं। थोड़ी अजीब हैं, पर दुनिया की बेस्ट साइकियाट्रिस्ट में से एक हैं। अजीब क्यों? क्योंकि जिन केसेस का मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता, वो खास उन्हीं केसेस को चुनती हैं। Hello, gorgeousness. Mwah, mwah. Is it hot, or is it just you? Global warming. Come on. Hey. I'm sorry. He's the original kebab mein haddi. क्या हुआ? किसी बात से अपसेट हो क्या? Nothing. Just a headache. कल जब से रागिनी से मिलके आई हूँ, just feeling a bit sick. साइको से मिलने जाओगे तो यही होगा ना। नॉर्मल लोगों के साथ रहा करो, पैरानॉर्मल लोगों के साथ नहीं। खुश रहोगी। यानी तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो? रॉक्स रोकना। ये क्या लिखा है? सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आना वर्जित है। What's वर्जित? वर्जित का मतलब मना है। अरे सब बकवास है। एएसआई का साइन बोर्ड है रॉक्स, कुछ तो बात होगी। अभी एएसआई कौन है? एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने पढ़ा है कि ऐसे साइंस ये लोग तभी लगाते हैं जब कोई जगह सच में हॉन्टेड होती है। राजस्थान में भानगढ़ और अजबगढ़ के फोर्ट्स पे ऐसे ही एएसआई साइन बोर्ड्स लगे हैं रॉक्स। अरे तुम लोग बेकार में लोड ले रहे हो। ये मेरे एंथू कटलेट आर्ट डिपार्टमेंट ने लगाया होगा शूट के लिए। यानी हम लोकेशन पहुंचने वाले हैं। यस, बस यही 2 मिनट तो दूर है। तुम्हें शहर के पास जगह नहीं मिली थी क्या? ये तुम सत्या से पूछो। इस बंगलों में शूट करने का माइंड ब्लोइंग आइडिया मेरा नहीं, इसका था। चले या। ओए राइटर, चले। सीरियसली रॉक्स, ऐसी जगह में घर घर तो बाहर से खंडर है, अंदर से तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल एंड रेडी फॉर शूटिंग सब नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट पीपल। और बाकी क्रू? बाकी क्रू एक होटल में रहने वाले हैं बिकॉज दे बिलीव कि यहाँ एक चुड़ैल है। अगर यहाँ सच में कोई चुड़ैल है तो? उसे भी इस मूवी में कास्ट कर लेंगे। कम, I'll show you to your room. यहाँ रूम्स तो अच्छे हैं ना? 2.5 घंटे दूर वाले होटल से तो बेटर है। उस घर से मीलों दूर रहना। हाँ, मानूस है वो घर। उस घर से अपने आप को बचा कर रखना। रॉक्सी, मुझे ना आपके साथ कुछ आइडियाज डिस्कस करने थे। रॉक्सी, मेरे को ना मेरे कैरेक्टर के बारे में मैनी डाउट्स हैं। डिस्कस कर लें क्या? Let's do first. Okay. रॉक्सी, आपको नहीं लगता कि मेरे कैरेक्टर का ग्राफ कुछ डाउन जा रहा है? वैसे तो मेरे कैरेक्टर में बड़े शेड्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, मैजेंटा। शिट्स यार, कुछ फीलिंग्स ही नहीं आ रहे हैं। मूड। अच्छा सनसाइन क्या होगा मेरे कैरेक्टर का? ये मेरा कमरा है, दिख रहा है। है ना। देख ये वाला देख, ये फेवरेट है मेरा, फेवरेट मेरे हिट शो का यार, पीके जीएस जीआर। क्या अरे प्यार के गीत सुना जा रहे तो मैंने शो क्या छोड़ दिया, चैनल वालों को शो ही बंद करना पड़ गया, मेरे फैन ने प्यार हो जाती सबकी। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रहा है? अच्छा जर्नो है क्या? जर्नो स्मार्टी विद पोनी फैन है मेरा। ऑटोग्राफ चाहिए? चल तू फोटोग्राफ रख बस, चल मैं अपना कमरा ढूंढ रहा हूँ। कमरा? तेरा कमरा? अच्छा एडी शेडी है तू। देख भैया एडी ये है वीआईपीओ का एरिया, ओके, फॉर एक्टर्स ओनली, इसलिए फटाफट निकलने यहाँ से। चल जा जा गुड बॉय। और सुन बाहर जाते जाते स्पॉट को बोलना एक सैंडविच और एक चाय, रेड ब्राउन और टी ग्रीन। बड़ा कमरा एडी। Excuse me, शख्स यार सत्या, तब से I'm finding you. मेरे को स्क्रिप्ट मिल जाती ना तो मैं जेक्सास कर लेती ना आपसे। सत्या कुमार, अरे की सत्या कुमार? Excuse me, मुझे अगर स्क्रिप्ट की कॉपी मिल जाती ना तो मैं रॉक्सी के साथ प्रैक्टिस कर सकती ना। प्रॉब्लम तो ये किसी ने हमारा इंट्रो नहीं कराया। परिंदर टेलो, फ्रेंड्स कॉल मी मेडी। मुझे ना मेरे एक सीन में मैनी डाउट्स हैं, क्या मैं क्लियरिफाई कर सकती हूँ आपके साथ? हाँ एक ही तो सीन है इसका। सर आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, अभी के अभी आपको अपना बीवी पे भेज रही हूँ, ओके? काइंडली प्लीज ऐड मी। हाँ प्लीज बीवी पे ना, मुझे बताओ एक मिनट। और फिर ना हम लोग दोनों ना मेरा सीन डिस्कस करेंगे इमोटिकॉन्स के साथ। एक ही सीन के लिए क्या पिन देना, अब मेरे को बताओ। मैं सोच रहा हूँ आज एक नया फोन ले लूँ बिना इंटरनेट वाला। साला अरे बट हाउ आई कांटेक्ट यू? बिजी? बहुत। ठीक है तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखो मैं जैसे जैसे तुम्हारा सीन लिखता जाऊंगा तुम्हें देता जाऊंगा। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, इस बात से कि तुम इस फिल्म के लिए गलत हो। आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए बिल्कुल गलत हूँ। बट आई डिडंट थिंक ये बात मेरे मुंह पे बोलने की किसी की हिम्मत है। माँ हमेशा कहती है कि मैं जरूरत से ज्यादा सच बोलता हूँ। सारी गलती उन्हीं की है, उनको तुम्हारा नाम सत्या नहीं रखना चाहिए था। मैं भी उनसे यही कहता हूँ। चलो तुम और मैं किसी बात पर तो अग्री करते हैं, ऐसा लगता है। फ्रेंड्स अब चले नीचे, सब वेट कर रहे हैं। और फिर मोनाली चुड़ैल को देखती है। अरे चुड़ैल को छोड़, हीरोइन कहाँ पे? सर दिस इज ओके। या कांट एक्सेस माय फेसबुक। 99 100 एंड यू नो व्हाट सत्या, क्योंकि मैं रागिनी से मिल चुकी हूँ इसलिए मुझे लगता है शायद उस सीन को मैं थोड़ा और डिफरेंटली प्ले करूँगी। हाँ जब मैं उसको मिली थी ना तो उसके चेहरे पे एक अलग ही एक्सप्रेशन था, मैं चाहती हूँ कि मैं उस एक्सप्रेशन को लाऊं अपने एक्टिंग में। तुम्हें क्या लगता है? इट्स टू वर्स्ट यार। चेहरा देख अपना, उतर गया है जैसे मेरा कोई महा एपिसोड मिस कर दिया। ये राइटर क्या उखाड़ लेगा, मैं तो सीधा रॉक्सी के पास जाऊंगी। बेस्ट फिर तुम सारी की सारी एक्ट्रेस या डायरेक्टर या राइटर। हम एक्टर्स का क्या होगा? एक्सक्यूज मी, एज यू नो मेरे लोखंड वाला बैकलेन में 2 BFs हैं, कैसे भी कॉम्प्रो करूंगी only for Roxy। ये जो तानिया है ना आशीष कपूर जी की बेटी है ना, ये तेरे सपने में भी नहीं पटने वाली है, तू इसके साथ सेटल कर ले। जीना ठीक है, उसके पता नहीं कहाँ टैटू होगा, छेद भी इधर सारे करा रखे कहीं मैं कंफ्यूज ही ना हो जाऊं। वर्धन विला दहानु महाराष्ट्र, built in 1920, one of India's most haunted houses. आसपास के गांव वाले कहते हैं कि उन्हें अक्सर यहाँ कोई प्रेजेंस फील होती है, जैसे कि ये घर ही नहीं चाहता कि कोई इसके अंदर आए। पिछले 100 सालों में यहाँ कई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। लास्ट रिपोर्टेड इंसिडेंट वाज रागिनी एनोदय। इनफैक्ट एएसआई ने इस घर के आगे बोर्ड भी लगा रखा है कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अंदर जाना मना है। ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ? बद्रीनाथ पटवर्धन स्पाइस मर्चेंट, 100 साल पहले इंडिया के लीडिंग मिर्ची ट्रेडर्स, अपने परिवार के लिए बड़े शौक से ये बंगला बनवाया था। ये औरत कौन है और हर तस्वीर में इसकी शक्ल को इस तरह काटा क्यों गया है? कहीं ये पटवर्धन की बीवी तो नहीं है? ओह माय गॉड, मिसिंग चिल्ड्रन चाइल्ड सैक्रिफाइस, यानी बच्चों की बलि दी गई थी। व्हाट द हेल हैपेंड? कम इन। अरे सुन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, नॉट टुडे प्लीज। मैंने ऑलरेडी अपनी आईलैश निकाल दी है। तो मैं तुम्हारे साथ हुकअप नहीं कर सकती मींस। अरे पागल, मेरा लाइटर खराब हो गया है, वो लेने आया हूँ। हाँ, ऐसे पूरे घर में मैं ही इकलौती हूँ ना जिसके पास लाइटर है। अब देखी। उफ, सो बोर यार, ये ले। Take it to the balls. ड्रैग देना। अबे ड्रैग मांग रही है तो कुछ और मांगेगी। प्लीज माइंड मत करना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, थैंक्स डार्लिंग। स्टार्टिंग में सारी लड़कियां। तूने सुना कुछ? हाँ, तेरी बकवास। अरे तू देख पीछे मुड़ के देख एक बार, यहाँ से कोई है अभी? तेरे पीछे कोई है, मैं बोल रहा हूँ एक बार। हाँ, मेरे पीछे तू ही है जब से मैं इस घर में आई हूँ। पहले दिमाग से पैदल था, अब यहाँ से पैदल हो जा। चल गेट आउट, गेट आउट फटू, चल निकलना। प्लीज एक बार पीछे मुड़ के देखना, कोई तो है यहाँ पे। कौन है? कोई नहीं। सो डफर, डोले शोले बनाने से कोई मैकमैन नहीं बजाता। चल फट्टू सिंह, निकल। होलसेल में बकवास की जा रही है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा यहाँ से कोई है। अच्छा प्लीज, हाँ प्लीज, तू फट्टू चल, निकल यहाँ से, चल निकल ना, गेट आउट। सो वर्स्ट यार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, तू पागल तो नहीं है? बेवकूफ। जय माता दी, जय माता दी। अबे क्या है, कौन मर गया यार? क्या चाहिए? लेसन। अबे स्लो मोशन। टेक दिस ना। ये कल की कॉल शीट है। तुम फोन आंसर नहीं कर रहे थे, सो वी फ्रीक्ड आउट। वर यू बिजी? हो भी सकता हूँ, तुमसे मतलब। चल भाग यहाँ से। सनी, क्यों? तो फिर लेकिन तू इतनी जल्दी शावर से निकलकर कॉस्ट्यूम चेंज? एक्सक्यूज मी, क्या मच टू मच कर रही है यार तू? मैंने कहा तो था शावर में मेरा वेट करने को। आर यू इम्प्लाइंग कि मैं तुम्हारे बाथरूम में थी? तो नहीं तो क्या मैं शीला की जवानी हूँ जो खुद से मेकआउट कर रहा था? इसका जवाब सिर्फ तू ही दे सकता है मैडी। बस हो गया मैडी, मजाक की भी हद होती है। बहुत हो गया तमाशा। ओ हेलो, मैं कोई ठरकी पीपा नहीं हूँ, टीवी स्टार हूँ। आज भी 600 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मुझे डेली की। जब बात कर रहा है यार तू, ये मिस्टर शावर में थी यार। तू बताती कि नहीं सबको कि मिस्टर शावर में थी? ब्लडी पर्व। हैं? इसको, अरे मैं डूड, सनी सच्ची वहां पे देर साथ थी क्या? अरे आई स्वेयर यार, मैं ट्यूसडे को झूठ नहीं बोलता। साले कुत्ते, क्या क्या माइंड ब्लोइंग माल भेजा तूने यार। अच्छा एक काम कर, 1-2 तोला और भेज दे, ठीक है? ओके थैंक्स। अगली बार ऐसा करूंगा, कटरीना या करीना को इमेजिन करूंगा, या विद्या, लेकिन 25-30 किलो कम। विद्या रोगिनी। Sound. Roll camera. Rolling. Take 15. And action. Uday. Uday, तुम कहाँ हो? बचाओ. But cut. Cut it. अरे यार कोई lines दो. Rox. Huh? Can I just take 5? Take 10 बेबीनेस। अरे चाय लाओ कोई। हर टेक के बाद कैन आई टेक 5 करेगी तो हमारी तो लग गई ना बेटे। एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस। अब आप देखो ना, मेरे टीवी का एक्सपीरियंस मेरे कितने काम आ रहा है। अच्छा, अब इतने सारे शॉट्स होते हैं, रिएक्शन शॉट्स, एक्सप्रेशंस, इतने सारे एक्सप्रेशंस चेहरे पे, टैलेंट भरा हुआ है अंदर से। दिखाऊं मैं आपको? नहीं दिखाऊं। रोमांस, कट, इंटेंस, कट, बदले किया, कट, बाप बनने की खुशी, कट, माँ की मौत, कट। ये होता है सर टैलेंट, एक्सपीरियंस इसी से आता है। अरे एक्सपीरियंस उसको भी तो है। तेरी माँ सर। शायद तुमने सही किया, ऐसे लोगों को यही भाषा समझ में आती है। So tell me, why do all men on this unit think I'm a whore? Not all men, सिर्फ वो जिनका दिमाग उनकी पैंट में। So all men? No, not all men. I'm sorry. गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता है क्या हो गया है मुझे। जब से आई हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो मेरे साथ। क्यों अजीब लग रहा है? ठीक हो तुम? पता नहीं, आई मीन सर दर्द और। सनी मैम, क्या मैं आपका टचअप कर दूं? बस 5 मिनट में। ओके क्या हुआ ये? नथिंग। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? सत्या। या? यू आर राइट। सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। इस वाले सीन के लिए टच रखेंगे, ओके? आई वांट द लाइटिंग अ लिटिल सबड्यूड। ज्यादा लाइट्स नहीं चाहिए, ओके? समझ गए ना? लेट्स गो। Hello, babyness. Hi. Come. Excuse me? आइए ना, बैठिए बैठिए। Come. Roxy, आप मुझे मॉनिटर क्यों नहीं दिखाते? I'm तो fully the director's actor. Yeah. What I'll do now? अभी आपको हम लटकाएंगे उल्टा और आपको ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे चुड़ैल दिखती है, ओके? लाइन याद हो गई? बचाओ। बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ डॉक्टर। या वेरी गुड। अभी चलो इसको लटकाओ इसको। कम प्लीज, आइए ना, बैठिए। कम। ओके रेडी? स्टंट बॉय उठाइए। बचाओ। ओके इसको घुमाओ अभी। Now everyone ready? Roll sound. Rolling. Camera. Rolling. Shot 5, take 1. Action. बचाओ। Ah, very good. अरे performance से हिला दो। Ah yes, very good और हिलाओ। Hello. अरे परफॉर्मेंस से निकालो। और चलाओ। और हाँ करो, और कट करो नीचे डालो उसको। मोनाली दो लड़कियां क्या बोल रही हो तुम? ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मोनाली, ब्रिलियंट। अरे क्या इम्प्रोवाइजेशन था। अरे तुम तो बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गई थी। अरे ढाओ। अरे मजा आ गया। अरे ताली बजाओ, ताली। क्या परफॉर्मेंस था। वेरी गुड मोनाली, वेरी गुड। मजा आ गया, वेरी गुड। अच्छा बहुत हो गया, शट अप। चलो पैक अप। चलो गाइस, मूव इट। धक्का मारो। चलो बीच। जल्दी करो सब लोग, रात होने के पहले हमें यहाँ से निकलना है। और रात का शूट हुआ तो तब का तब देखा जाएगा। हमें यहाँ भूत और चुड़ैलों के साथ थोड़ी रात गुजारना। तुम्हें पता है जब रॉक्स मुझसे पहली बार मिलने आया था उसने कहा था कि वो मेरी एक्टिंग का फैन है। तुमसे क्या कहा था? कि उसे मेरी किताबें पसंद है। और तुमने उसकी बात मान ली? बेसिकली उसे पता था कि रागिनी की फैमिली उनकी कहानी लिखने के लिए सिर्फ तुम्हें परमिशन देगी। वो तो मैं समझ ही गया था। उसने मेरी एक भी किताब नहीं पढ़ी है। ऑफ कोर्स नहीं पढ़ी। रॉक्स के तो ऐसे मैसेज भी पांडे जी पढ़ के सुनाते हैं। कम ऑन चीयर अप। रॉक्स पे कितना और टाइम वेस्ट करोगे? मैं रॉक्स की नहीं, मोनाली के बारे में सोच रहा हूँ। आज सेट पे जो हुआ था, अगर सच में मोनाली ने सीलिंग पे कुछ देखा हो तो। मोनाली इज अ ड्रामा क्वीन, वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ कोई भूत नहीं है। रागिनी की माँ को ऐसा नहीं लगता। मतलब? रागिनी की माँ का विश्वास है कि इस घर में कुछ है, और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस घर से दूर रहूँ। पर मैं फिर भी ये आइडिया रॉक्स को दे आया। पर अब लगता है कि शायद मैंने अपने करियर के खातिर हम सबको खतरे में डाल दिया। सत्या, डोंट बी सिली। हम सब अपने अपने करियर्स के लिए यहाँ आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अगर मेरे वजह से किसी को भी कुछ भी हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। किसी को नहीं, तुम्हें ज़रूर होगा। अगर तुम इस रेट से विस्की पीते रहे तो कल सुबह तुम्हारे सर में हथौड़ों का ऑर्केस्ट्रा बजेगा। तुम मुझे पीने से रोक रही हो? नहीं, मैं तुम्हें अकेले पीने से रोक रही हूँ। ध्यान से मैडम, 2 ड्रिंक्स के बाद मेरे जैसे लड़के भी हैंडसम लगने लगते हैं। बारिश रुक गई है, चले। Yes. Strange. सारी फैमिली खत्म हो गई, लेकिन ऑब्चुरी में पटवर्धन ने सिर्फ बच्चों का नाम दिया। That's weird. बच्चों की माँ का क्या हुआ? Coffee. Finally, here comes my great assistant Nishant. Yeah. कहाँ थे? ब्राजील से कॉफी बीन्स लेने गए थे। अरे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं थोड़ी देर बाद भी आता ना, तब भी आप यहीं की यहीं होती। Just stuck to your seat. मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो, और ऊपर से you're so busy. फिर भी ये फ्रीकी केसेस के लिए टाइम निकालते रहते हो। I mean, फंडा क्या है बॉस? I'm on to something. अरे डॉक्टर डी, ये सब भूत प्रेत चुड़ैल हॉन्टेड हाउस वाले रूमर्स ना उन्होंने फैलाए, ये सब पीआर मशीनरी का काम है रॉक्स की। You know what the problem with you guys is? तुम लोग बहुत सिनिकल हो। Anyways, रागिनी के मेंटल असाइलम का फुटेज कहाँ है? मैंने देखा। I'll show it to you. ध्यान से। रागिनी ना अपने बेड पर ऐसे बैठी है, और उसके चेहरे पर साला कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, और बस आगे पीछे रॉक करती जा रही है। For freaking 2 years, I nearly died of boredom, man. I'm so glad you liked it. I need the tapes on the table tomorrow. लेकिन listen, tomorrow. अरे but see, listen. Yes. रागिनी कब से ढूंढ रहा हूँ यार तुमको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? तुमने स्लीप वॉकिंग शुरू नहीं कर दी ना? ऐसा मत करना, सारा का सारा क्रू तुम्हारे पीछे चलता मिलेगा। चलो गेट सम रेस्ट। और शूट? शूट आज नाइट शिफ्ट है, आज रॉक्स का स्पेशल मूनलाइट सीन। चलो बाय। कितनी बार कहूं इस वीडियो में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने भी कहा है ना, जब तक हम सारे वीडियोस देख नहीं लेते हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, ना तुम ना मैं। सुशारा ग्रेट। सत्या भाई क्यों मधुमक्खी के छत्ते की तरह मुंह मिला के बैठा है यार? आजा, मजे कर रहे हैं सब साथ में बैठे। आजा आजा यार, अरे आ रहा यार, आजा आ रहा। ये रॉक्सी ना एक करके हमारे सारे सीक्रेट निकाल रहे हैं। आपको मालूम है क्या, ये तानिया और कुणाल का ना अफेयर चालू है 2 महीने से। कैंडल ऑफ द सेंचुरी। लिसन यार गाइस, प्लीज डोंट टेल एनीवन अबाउट अस। हां, हम लोग और कुछ काम नहीं है क्या? तेरे अफेयर के बारे में स्टेटस अपडेट थोड़ी करने वाले हैं हम लोग। अरे सत्या भाई रुक 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 रुक, बहुत पाड़ू गेम है, बहुत पाड़ू। मैं बताता हूँ, देख गेम का नाम है नेवर एवर। आई हैव नेवर एवर, ठीक है ना भाई? तो हम में से कोई भी एक सेंटेंस शुरू करेगा आई हैव नेवर एवर से, और अगर तूने वो चीज की है तो तेरे को अपनी ड्रिंक बॉटम्स अप। समझ गया? अरे सिंपल है यार। देख जैसे मैं बोलूंगा हाँ, आई हैव नेवर एवर डन इन एरोप्लेन, तो अगर तूने एरोप्लेन में कांड किया है तो अपनी ड्रिंक। बस सही ना? चलना यार, कोई जबरदस्ती नहीं है। चल यार सत्या, कम ऑन। मेरा भी रिफिल ये लो, इसका दे देरियो को सर। रेडी रेडी रॉक्सी, रेडी रेडी। सत्या जी आपकी टीम, आपकी टीम। आई हैव नेवर एवर प्लेड दिस गेम। इन दोनों को कपड़ों से क्या एलर्जी है? पनिशमेंट है, अगर तुमने कोई वियर्ड सा नेवर एवर दिया तो पनिशमेंट मिलती है। ऑल इन ऑल ये दारू पीने की गेम है। तुम्हारे राउंड में अगर किसी ने सिप नहीं लिया ना तो सजा मिलेगी, सजा। जीना मरे या ना मरे, खुशी से मैं जरूर मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम सबकी रेड कौन लगाएगा? कम ऑन, पार्टी ओवर। कुणाल, yes sir, अभी तक यूनिट की बस क्यों नहीं आई? तो मैंने कई बार फोन किया, ड्राइवर फोन ही नहीं उठा रहा। तो बस में किसी और को फोन करो, थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। हम देर नहीं कर सकते। देर नहीं होनी चाहिए। She is right. Yes sir. Everybody, come on, back to work. Gina, huh? Blood, axe, handcuffs. Handcuffs? Shit. Give me 5. ताई, मैं तुमको बोलने को आई कि मेरे को आज जल्दी घर जाने का है। क्यों जल्दी जाना है? क्या ताई, मैंने बोला तो था, आज मेरा महाकार्तिक पूर्णिमा का उपवास है। आज रात को बुरी शक्तियों की पूजा होती है। क्या हुआ, डर गई? भूत प्रेत में बहुत विश्वास करती हो क्या? साहेब, भगवान को मैं मानती है तो बुरी शक्तियों को भी मानना चाहिए ना। हाँ, आज महाकार्तिक पूर्णिमा है। आज की रात बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तभी उनकी शांति के लिए हम ये पूजा और उपवास रखते हैं। bullshit. This is all bullshit. ताई, लगता है लड़की पे ना कोई चुड़ैल चढ़ी हुई है। हाँ। तुम्हें कैसे पता? अब वो डॉक्टर जी प्लीज अब आप वापस शुरू मत हो जाइए, ओके? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों को यहाँ नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपकी चुड़ैल का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे कच्चा खा जाएगी ना यार, समझा करो। साहेब ये हंसी वाली बात नहीं है। हाँ ताई, हमारे में बोलते हैं कि कोई भी चुड़ैल ना किसी पे तभी चढ़ती है जब उसे अपनी अधूरी कहानी सुनानी हो। ओह रियली? इज इट सो? मतलब वो अपनी कहानी सुनाती कैसे है बोलो? साहेब उल्टा, किसी भी शरीर पे जब वो कब्जा करती है ना तो उल्टा ही बोलती है, सीधा बोलती नहीं है। Of course. भाई आप मेरे लिए खाना लेके आइए। हाँ ताई। निशांत यू वांट टू गो होम राइट? या डॉक्टर डी। यू गो होम, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू डॉक्टर डी। और डॉक्टर डी भूतों से थोड़ा ब्रेक ले लेना, ओके? गुड नाइट। मी माझ्या मुलाला माझ्या मुलींपेक्षा जास्ती प्रेम करते। मी चिटकीण नाहीये, मी माझ्या मुलाला नाही मारला, मी माझ्या मुलाला नाही मारला, मी चिटकीण नाहीये। क्या बोला इसने? माझ्या मुलाला माझ्या मुलींपेक्षा जास्ती प्रेम करते। मी चिटकीण। मुझे मेरी बेटियां बहुत पसंद है, पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मला माझ्या मुली आवडतात। मुझे मेरी बेटियां पसंद है, पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। तो सोमवारी में उपास 5 साल तक हर सोमवार व्रत रखा था, फिर जाके पैदा हुआ था वो। मैं वो मनहूस दिन कभी नहीं भूल सकती। इनके बाबा काम से शहर गए थे, तीनों छुपा छुपी खेल रहे थे और फिर अचानक मुझे उसकी चीख सुनाई दी। जब तक मैं पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। मुझे किसी बात का होश नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस एक सवाल था, मेरा बेटा उठ क्यों नहीं रहा? घंटों तक पागलों जैसे उसे अपने सीने से लगाकर लोरी सुनाती रही। और फिर किसी ने मुझे उम्मीद दी। और तेरा सबसे बड़ा फर्ज है बलिदान। मैं अपने बेटे के दुख में इतनी सुन्न हो गई थी कि मुझे अपने बेटियों की चीखें भी नहीं सुनाई दी। ओम रीम क्लीम चम। ये पकड़, आंखें बंद रखना और मंत्र पढ़ती रहना। बाहर गांव वालों तक बात फैल गई। तांत्रिक उसी वक्त वहां से भाग गया, पर मैं गांव वालों के लिए मैं एक ऐसी माँ थी जिसके हाथों पे खून था, अपनी ही बेटियों का खून। उन लोगों ने मुझे पेड़ से टांग दिया। मैं चिल्लाती रही कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं आती हूँ भाई। What's going on? सबसे ग्रैंड छोटे छोटे मैडीज कैसे है सब? हाँ 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 ये कौन है नीचे बोल। कर रहे हैं यार कौन है? ओ सनी बेटा सुबह तूने राउंड 1 जीत लिया और मैं राउंड 2 का स्पेशलिस्ट हूं। अब भी आ रहा हूं जंगल में मिंगल करने। कहां क्या किधर रखा है ये? आज उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अन्य खबरों में रानी मेंटल असाइलम में आज एक अजीब किस्म की मौत हुई। जिस शख्स की मौत हुई निर्माता निर्देशक रॉक्स उसी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बना रहे हैं। हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसका MMS कुछ साल पहले लीक हुआ था। हाल ही में रागिनी एक बार फिर से सुर्खियों में आई जब मशहूर फिल्म डायरेक्टर रॉक्स ने उसकी कहानी पर आधारित एक फिल्म अनाउंस की। मगर अफसोस रागिनी अब ये फिल्म कभी नहीं देख पाएगी। रागिनी की मौत के साथ ही उसकी ये दर्दनाक कहानी भी अब हमेशा के लिए खत्म हो गयी। हेलो हेलो आंटी, मैं सत्या। बोलो सत्या। आंटी आई एम वेरी सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सत्या, मैं तो बोल बोल कर हार गई। पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी रागिनी पागल नहीं थी। सच तो ये है कि उस पर एक चुड़ैल का साया था। आंटी अगर 1 मिनट के लिए मान भी जाए कि रागिनी में चुड़ैल थी तो अब वो कहाँ गई? भगवान करे कि वो वही वापस चली गई हो जहाँ से वो आई थी। आंटी रागिनी की मौत हुई कब? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले तो तुम्हारी उस फिल्म की हीरोइन मेरी बेटी से मिलने आई थी ठीक उसी दिन। I'm just feeling a bit sick. इस घर में कुछ है. Give it to me. आंटी रागिनी के हाथ पे जो निशान था, वो निशान भी अचानक उसके हाथ से गायब हो गया. मुर्दा इंसान के हाथ से भला निशान कैसे मिट सकता है सत्या? ना तो निशान गायब हुआ है और ना ही वो चुड़ैल. हेलो. थैंक गॉड. हेलो मिसेस शिंदे. हाँ डॉक्टर दत्ता बोलिए. मुझे इस घर में किसी से बात करनी है अभी. हाँ मैं सत्या का नंबर अभी भेजती हूँ. सनी, सनी कहाँ छुप गई यार तू? ये तो सनी. ओ, मेरे साथ स्ट्रिप टीज. अबे टीवी का कंज्यूमेशन किंग हूं मैं. जब भी स्वागत बनाता हूं ना तोड़ू फोड़ू टीआरपी आती है. तू भी आजा सनी. बेटा सनी कम टू पापा. पानी सनी कम ऑन हनी. आजा तो वाटर के अंदर सनी. सनी सनी सनी. रॉक्स, मेरी बात ध्यान से सुनो. जिंदगी और मौत का सवाल है. किसकी, तेरी या मेरी? इट्स सनी. शी इज पोजेस्ड. उस पे किसी चुड़ैल का साया है और तेरे पे पागलपन का. रॉक्स, रॉक्स. मान लिया. तेरे को मालूम है ना वो मेरा दिल्ली में नेबर था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने फ्री हैं. तो प्लीज सर मत. ओके यार देख, आज तू चूज कर ही ले, या तो वो या फिर मैं. अरे फॉर चॉइस प्लीज मनीष. डोंट बी सो जे. तुझे पता है ना मैं बचपन से टॉम बॉय हूँ, इसलिए ऑल बॉयज मेरे साथ बहुत कॉम्फी हैं. ऑल बॉयज. अब तूने सेट पे भी किसी और को ढूंढ लिया ना. बोल. तू पागल है क्या? आर यू मेंटल? यार मोनाली इट्स टू मच नाउ. मैं जानता हूँ तू किसी. लिसन मी ओके. मुझे ना अपने लिए एक सिक्योर बॉयफ्रेंड चाहिए, तेरे जैसे इनसिक्योर नहीं. ओके okay? मैं जानता हूँ कि सेट पर तू अब कुछ जरूर कांड कर रही है. आई नो दिस वेरी वेल. एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट चीट ऑन यू. प्लीज डोंट बी फूल. तूने मेरा पूरा मूड बर्स्ट कर दिया है. मोनाली तू मेरी बात सुन. सारे जेंट्स ना सेम टू सेम होते हैं. तुम बर्स्ट. रॉक्सी हेलो बेबीनेस. मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं लेकिन आई एम योर बिगेस्ट फैन. इनफैक्ट अभी अभी मैं अपने कमरे में तुम्हारा वो डॉक्टर नर्स वाला वीडियो देख रहा था. एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ रॉक्स यू आर एन इडियट. तुम यहीं पर बैठी और मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ. एंड सो आई केम टू से व्हाई डोंट यू एंड आई प्ले डॉक्टर नर्स. रॉक्सी की आवाज सनी के रूम से. Roxy? It's okay, it's me, it's okay. I'm here. She's possessed, Monali. She's possessed. उसमें चुड़ैल है, okay? सत्या? I'm Dr. मीरा दत्ता, रागिनी की साइकियाट्रिस्ट हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वक्त नहीं है हमारे पास। यहाँ एक आत्मा कैद है जिसे रिहा नहीं किया तो वो यहाँ से किसी को जाने नहीं देगी। We'll have to do something about it and quick. Satya, please. Satya, please. Monali, they don't. साथ रहो. It's okay. पीछे से तो नहीं आ रहे। से जाकर भी नहीं जा सकते, वो हमें जाने ही नहीं देगी। ध्यान से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Just look for the light. इधर आओ। इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो करना कर लीजिए डॉक्टर। Just save Sunny, please. I'm a doctor, Satya, but I'll try my best. पिछले साल ऋषिकेश में एक बाबा जी मिले थे जिन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए थे जो आत्माओं को शरीर से अलग करते हैं। उस वक्त सोचा नहीं था मेरे किसी काम आएंगे, लेकिन इस वक्त शायद वही हमारा आखिरी चारा है। आयुष्मान इस मंत्र से काम करेंगे। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज हमारे काम आ सकती है, वो है विश्वास। It has to work. Please do fastly, doctor. Monali! सत्या, टाइम नहीं है हमारे पास। अगर ये पूरे नहीं पड़े ना, ऐसा नहीं करेंगे। खुशी से बात की क्या होगा? तीनों साथ में मेरे ऊपर चढ़ोगे? कम ऑन बेबी, कम ऑन, चल आजा, कम ऑन, चल आजा। ओम आदेश गुरु को जहाँ महादेव आप कहते हैं मेरी भक्ति शक्ति अच्छा। ओम नमो भगवती विरूपक्षी विक्रवदन घोर भय जीव जन शिव जालुकारी सावधानी। Wait, we are not sure yet. Wait, Monali, let's go. Satya, Satya, वो मर गई. Sunny, मर गई. Satya, उसको Sunny, Sunny. Monali. ओम नमो आदेश गुरु को महाचीन देवी जटा। सनी को कुछ हो गया तो सनी को कुछ सनी नहीं है। I love you. Come on, break it. ऐसा मत करो। तोड़ो, God damn it. Break it. Break it. Leave her. उसे पकड़े रखो। No. सनी, सनी, सनी उठो, सनी आंखें खोलो। सनी, 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 out of here. Yeah. Yeah. Please take me away. सत्या, यहाँ से निकलते ही पुलिस को बुलाना होगा। इन बच्चियों का अंतिम संस्कार करवाना है।